नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। और करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं 30 सितंबर के करंट अफेयर्स की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2018 में ये कहाँ आयोजित किया जाना है। इसके ऑप्शन है भारत, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो महिला T20 विश्व कप 2018 वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाना है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि महिला T20 वर्ल्ड कप में इसकी कैप्टेन होगी हरमनप्रीत कौर। BCCI ने शुक्रवार को महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी है और ये वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाले महिला T20 विश्व कप 9 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक खेला जाएगा। चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मकई महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी इनमें से कोई नहीं। तो मकई महोत्सव शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खासकर छिंदवाड़ा जिले में मकई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़े मकई उत्पादक राज्यों में से एक है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मकई महोत्सव को कॉर्न फेस्टिवल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां एशिया कप किस देश ने जीता है। इसके ऑप्शन से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7वां एशिया विश्व कप जीता है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां एशिया कप किस देश ने जीता है। इसके ऑप्शन से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। ये खेल UAE यानी कि उत्तरी अरब अमीरात के दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच जो रहे हैं उनका नाम है लिटन दास, ये बांग्लादेश से है। जनरली जो टीम जीतने वाली होती है मैन ऑफ द मैच भी वही व्यक्ति रहता है, लेकिन ये स्पेशली ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश हारी हुई टीम है लेकिन मैन ऑफ द मैच जो रहे हैं वो बांग्लादेशी रहे हैं लिटन दास। मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं शिखर धवन। इसके अलावा न्यूज़पेपर में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि दुनिया के पहले विकेट कीपर जो बने हैं वो दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर हैं और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट दूसरे नंबर के विकेट कीपर हैं और तीसरे नंबर के जो विकेट कीपर बने हैं वो है धोनी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे विकेट कीपर बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके साथ 2018 से 2022 के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, सी ऑप्शन है ब्रिक्स बैंक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने नीति आयोग के साथ मिलकर सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो Washington DC में है और ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष केवी कोमत है और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी और ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। सतत विकास फ्रेमवर्क के तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। और हम आपको बता दें कि नीति आयोग के जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो है अमिताभ कांत। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय जो संयोजक हैं वो है यूरी अफानसीव। और सतत विकास फ्रेमवर्क के अंतर्गत फ्रेमवर्क में गरीबी, शिक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे को मुख्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेकंड ऑप्शन है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा और थर्ड ऑप्शन है दोनों या फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा इन दोनों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और देवी अहिल्याबाई होलकर, दोनों हवाई अड्डों को मुख्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों की श्रेणी में और सबसे अच्छे हवाई अड्डों की श्रेणी में इसे पुरस्कार मिला है। इंदौर हवाई अड्डे को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य श्रेणी के हवाई अड्डों में सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है गूगल, सेकंड ऑप्शन है फेसबुक, थर्ड ऑप्शन है स्वच्छता मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गूगल। शौचालय का पता लगाने और उसकी समीक्षा के लिए गूगल मैप पर पब्लिक टॉयलेट नियर मी के नाम से यदि सर्च किया जाएगा तो इससे आसपास के सभी शौचालयों के बारे में जानकारी मिल सकती है। गूगल मैप्स पर SBM टॉयलेट के नाम से सर्च करने पर 30,000 से अधिक टॉयलेट देखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 29 सितंबर को पूछे गए क्वेश्चन की, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका कई लोगों ने राइट आंसर दिया है, जैसे कि निशांत ने, राजकुमार, नीतीश वर्मा, आशुतोष, राजेश, सत्यम, नीतीश, इन सभी ने राइट आंसर दिया है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी थीम के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया है। इसकी थीम है पर्यटन और संस्कृति संरक्षण, इसको इंग्लिश में कहेंगे टूरिज्म एंड कल्चर प्रोटेक्शन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, आज का क्वेश्चन है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? आशा करते हैं आप सभी इसका जल्द से जल्द आंसर ढूंढ कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।